वार्ड 27 कैंप 1 से लगातार पांचवी बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे जोहन सिन्हा के पक्ष में वोट मांगने गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू पहुंचे। उन्होंने आम जनता से कहा कि जोहन सिन्हा के कामकाज से आप सभी भली भांति परिचित हैं। पिछले 2 दशकों से आपका प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ विकास की गति को बढ़ाने में योगदान दिया। इससे पूर्व क्षेत्र का भ्रमण करते हुए क्षेत्रवासियों से उन्होंने जन समर्थन मांगने भ्रमण कर रहे हैं। बुधवार की देर रात गृह मंत्री श्री साहू ने कहा कि अपने क्षेत्र का विकास यदि चाहते हैं तो कांग्रेस को एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ निगम में भेजें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का आंकलन इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके विरुद्ध अब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। जतका कोशिश जानकारी मिलत जात है हमन ला, हमर सरकार में कोशिश करत जात है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा पब्लिक ले दे जा सके। हम ये नहीं कहतन कि पूरा काम कर देबो, काबर पूरा काम तो हो ही नहीं सके कभी, काबर एक ठन गड्ढा भर में दूसरा गड्ढा और हो जाते, तो काम तो सतत प्रक्रिया है, वो चलते रहते काम। कभो ऐसे नहीं हो सके कोनो दिन कि ये गली में या ये घर में, अपन घर एक सोच लो ना। जोहन सिन्हा का कहना है कि क्षेत्र में अवरुद्ध हुए विकास कार्यों को और तेजी से पूर्ण कराने के लिए चुनावी समर में कूद पड़े हैं। उन्होंने गृह मंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बचे हुए कार्य है और एक बहुत अच्छा प्लान है कि चौक चौराहे पर CCTV कैमरा, जिससे माताओं बहनों को उसका लाभ मिले और वार्ड वासियों को लाभ मिले। उसके बाद है अपना दूसरा केनाल रोड, जो केनाल रोड जो एकदम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उसे भी खुर्सीपार में जो केनाल रोड बना है, और इस बार सेकंड जो फेस है केनाल रोड का, वो भी एक अपने वार्ड से जाता है केनाल, वो एक अच्छा सुव्यवस्थित मार्ग हो जाए जिससे जो गंदगी है वो दूर हो जाए। तीसरा प्लान है कि अपना वार्ड से लगा हुआ है मुक्तिधाम तालाब, जो अभी लाल बहादुर शास्त्री सरोवर के नाम से, उसे हम लोग नगर निगम MIC में पास किए हैं, उसे भी हमें सौंदर्यीकरण करके, गहरीकरण करके एक अच्छा तालाब का स्वरूप मिले, जिससे वार्ड वासियों को और वहाँ पर 70 वार्ड के लोग वहाँ पर जो आते हैं मुक्ति धाम में, उस तालाब में निस्तारी की समस्या और जो एक शोक कार्यक्रम जो रहता है उसका एक लाभ मिले, और वार्डों में कुछ जगहों पर जो रुके हुए काम हैं, कोरोना काल में जो काम बहुत सारे नहीं हुए थे, आने वाले सत्र में उस कामों को द्रुत गति से आगे बढ़ाना है, और जो भी समस्या होगा उसे हम पब्लिक के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। आम मतदाताओं के बीच लोकप्रिय जोहन सिन्हा के बारे में यह मानना है कि कोरोना काल में जिस प्रकार सेवा भाव के साथ जुड़े रहे और सहयोग किए, जिसकी वजह से उनके प्रति रुझान बढ़ा है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ।